हेलो दोस्तों, आप लोगों से कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल तूफानी नॉलेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। मैं आपका दोस्त मिस्टर अच्छी रंजन कुमार। मैं अभी आ गया हूँ प्रयागराज के जक्शन यूपी का, जहाँ प्रिया है। सो आप लोगों को कुंभ मेला में जाने के लिए बहुत ही आसान, कुछ कुंभ मेला जाना है तो पहले आप लोग यहाँ पर हो, सबसे आसान जक्शन यही होगा आप लोगों को, हाँ प्रयागराज जक्शन। और यहाँ पर आप लोग इसको फ्री में यहाँ पर रह सकते हैं। अगर लेट हो गया तो यहाँ पर आप लोगों को रहने का अच्छा खासा व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ रहने के लिए आप लोग फ्री में, अगर आप लोग जो कुंभ मेला में आने के बाद है ना, रहने के लिए पैसा नहीं है तो 10,000-15,000 लोग एक बार में, लोग 3 से 4 यहाँ पर बना हुआ है। और लैट्रिन बाथरूम का पूरा व्यवस्था किया गया है। दिव्यांग के शौचालय के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। शौचालय पुरुष महिला नहाने के लिए भी यहाँ पर ऐसा अच्छा खासा व्यवस्था है। और ऐसा हॉल टाइप के है ना, ड्यूमेट्री टाइप के, आपको ऐसा 3-4 लगभग है ना, 4 हमने देखा है, 4 है। तो यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और यहाँ से आपको प्रयागराज जंक्शन से जाने के लिए, कुंभ मेला में जाने के लिए 40 से 50 रुपया लेता है, 40 रुपया और ऑटो भाड़ा। आप ऑटो को बोलिएगा तो 40 रुपया आपको लेगा और वहाँ तक आप लोगों को पहुंचा देगा। और ये देखिए एक ऐसा बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को आने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है और ज़्यादा पैसा भी आप लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा प्रयागराज जंक्शन यहाँ से नज़दीक है, सो पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर ये आइएगा है ना, टिकट यहाँ कैसे कटवा के, और यहाँ पर आप फ्री में आके रह सकते हैं, ठीक है। प्रयागराज जंक्शन सबसे नज़दीकी जंक्शन है, तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। और यहाँ फ्री का फायदा उठाइए, यहाँ हर जगह आप लोगों से कैमरा वगैरह लाइट लगा हुआ है ताकि छोटा मोटा चोरी होने का संभावना ना हो। और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ मोबाइल चार्जिंग का भी पोर्ट यहाँ पर लगाया गया, बोर्ड वगैरह देखिए है ना, मोबाइल चार्जिंग का भी बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, देख सब जगह है ना, मोबाइल चार्जिंग का भी व्यवस्था हर बोर्ड में, एक एक पिलर छोड़कर हर पिलर में ऐसे लगाया गया है। तो कुछ ऐसा है देखिए उस तरफ भी है ना बनाया हुआ, ऐसा है जो 3 गो है, तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आके एक हॉल में से 10,000 लोग रहने की यहाँ पर व्यवस्था है। इस बार ऐसा मिलन है, आपको दिखेंगे गंगा जमुना सरस्वती मैया अंतर्वाहिनी अंतरिष्ट है, वो दिखेंगी नहीं आपको, जैसा कि आपकी ये जमुना जी दिख रहे हैं, दिल्ली मथुरा वृंदावन होते हुए आती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, इनका मिलन यहाँ पर होता है, ये यहाँ पे मिलती हैं। और कौन सी है जमुना, हम बताएंगे आपको, बगल से आपको गंगा जी आती है, वो हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर से होते हुए आती है, यहाँ पर इनका मिलन होता है। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती 3 मिलती हैं, यहाँ से मिल के बनारस तरफ चली जाती हैं। बनारस में जो जाते हैं वहाँ खाली एक नदी जाती है, वो गंगा जी, ये जमुना जी गंगा में समेट लेती हैं। खाली यहाँ से एक नदी जाती है गंगा जी और जमुना सरस्वती, यहाँ से अंतर्वाहिनी हो जाती है, मतलब यही बना। इस बार से 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ पर आने की संभावना है, तो इसी के लिए है सो इसकी पूरी तरह से तैयारी है, सो हो रही है। और आप लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कम पैसा है तो आइए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ रूम भी आप लोग लेना चाहेंगे तो 150-200 में आप लोग जो डोमेट्री टाइप के हॉल टाइप के मिल जाएगी, बेड मिल जाएगी, उसमें चार्जिंग वगैरह रहता है। और अगर आप लोगों को जंक्शन पर रुकना है तो इस तरह के हॉल आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ रहेंगे है ना, तो सिर्फ टिकट आप लोगों को कटवाना है और यहाँ पर आ सकते हैं। प्लस में अगर रूम चाहिए तो 400-500 का एक रूम आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, बगल में ही आप लोगों को मिल जाएगा, उसका भी हम किसी का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे देंगे, तो उससे भी आप लोग आके जो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कुंभ मेला आने के लिए आप लोगों को 9 जंक्शन टोटल यहाँ पर यह पड़ता है, सबसे 9 जंक्शन में से सबसे नजदीकी यही हो गया जंक्शन, ठीक है। प्रयागराज जंक्शन सबसे नज़दीकी है और सबसे आसान है, 40 रुपया ऑटो भाड़ा लगेगा और आपको वहां जाकर उतार देगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में नए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम आपको फ्री में कहां कहां रुकना है, कहां कहां खाना खाना है, सारे आप लोगों को हम इसी वीडियो में आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को जो भी नए होंगे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। 12-13 लोग रहते हैं, सब सही है, कैपेसिटी पता चल गए हैं, जाना चाहिए।
देखिए यहाँ पर पंछी का दाना ये लोग सब बेच रहे हैं। लाओ यार, दो यार, ले आओ पंछी। यहाँ पर पंछी बहुत आ जाएंगे, आ जाएंगे। देखिए पूरा खूबसूरत पंछी इतना, आप लोग यहाँ जब भी आइए तो पंछी को खाने के लिए ले। साइबेरियन यही है, साइबेरियन पक्षी है यहाँ पर, यह ठंडा के मौसम में आती है, चली जाती है, इसको पकड़।